भागलपुर के ऐतिहासिक कुप्पा घाट में 10 फरवरी को भव्य लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सौंदर्यकृत शतगुरु निवास का लोकार्पण किया जाएगा। कुप्पा घाट परिसर राज्य सज धज कर तैयार हो चुका है। गौरतलब हो कि इस कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज रहेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के योग गुरु स्वामी रामदेव और श्री महावीर स्थान न्यास समिति पटना के आचार्य किशोर कुणाल की उपस्थिति रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली गई है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को लेकर जेड प्लस सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। मिनट दो दो मिनट पर कार्यक्रम के तहत पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकार्पण कार्यक्रम 11 बजे दिन में सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज के जीवन पर आधारित फिसर फिल्म के पोस्टर पर अनावरण किया जाएगा। फिर सभी गणमान्य लोगों का स्वागत एवं संबोधन कार्यक्रम होगा। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय संत मंत्र सत्संग महासभा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर द्वारा कुप्पा घाट परिसर में आयोजित की जा रही है। मुख्य कार्यक्रम गुरु निवास के सौंदर्यीकृत बिल्डिंग का लोकार्पण समारोह है। उनका लोकार्पण किया जाएगा पूज्य आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के द्वारा और मुख्य अतिथि हमारे पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, आचार्य किशोर कुणाल जी और भी अन्य विशिष्ट अतिथि लोग रहेंगे। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? सुरक्षा के इंतजाम बड़े चाक चौबंद हैं। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है, यहाँ के प्रशासन बहुत मुस्तैद है। दो तीन दिनों से मैं देख रहा हूँ कि केंद्रीय पुलिस बल के जवान और भी कई सादे लिबास में जो पुलिस बल के जवान हैं और बिहार पुलिस की यहाँ जो है पूरी टुकड़ी जो है यहाँ कैंप कर रही है। यह पूरा आश्रम जो है उन्हीं लोगों के सुरक्षा घेरे में है। मोहन भागवत जी का मिनट टू मिनट कैसा क्या कार्यक्रम है? मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जो है मूल रूप से मिनट टू मिनट का कार्यक्रम जो है उनका लोकार्पण समारोह है। फिर गुफा का दर्शन करेंगे। हमारे यहाँ जो भव्य गुफा है ऐतिहासिक, जिसमें हमारे गुरु महाराज तपस्या किए थे, ध्यान साधना किए थे, और उस गुफा के दर्शन के बाद हमारे पश्चिमी द्वार पर बौद्धकालीन एक शिलालेख है, उनका भी अवलोकन करेंगे। फिर गो पूजन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर गुरु महाराज के समाधि मंदिर पर पूज्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के समाधि मंदिर पर वो पुष्पांजलि करेंगे। और फिर जो है वो हमारे सत्संग प्रसाल में गुरु महाराज के जीवन और दर्शन पर एक फीचर फिल्म बनने के प्रोसेस में है, उसके एल्बम का अनावरण होगा, उसके पोस्टर का अनावरण होगा और जो है फिर उनका स्वागत होगा और उनका उद्बोधन होगा। यही कार्यक्रम है। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। अपना परिचय दिव्य प्रकाश, महामंत्री अखिल भारतीय संत मंत्र सत्संग महासभा।